और नंबर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने दो चीजें देख लिए हैं, एक तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यानी कि इंप्योरिटी मिक्स हो जाएगी तो उसका वेपर प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आपने देख लिया ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। और अब हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा। नेचुरल है कि किसी भी सॉल्यूशन को बना लीजिए, इसके अंदर अगर सॉल्यूट पार्टिकल है और ये सॉल्यूट पार्टिकल इवेपोरेट नहीं होते तो ये क्या काम करेंगे, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये सारी की सारी एनर्जी को स्टोर करेंगे। तो अगर ये प्योर वाटर है, उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अब ये टेम्परेचर को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और सपोज करिए इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना। तो राउल्ट यही बात बताते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसका टेक्निकल टर्म है इबुलोस्कोपी, इबुलियोस्कोपी इज द टेक्निकल टर्म ऑफ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट थ्रू राउल्ट। राउल्ट क्या कहता है, किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट अगर प्योर सॉल्यूशन है, कुछ भी है, अगर इसके अंदर हमने थोड़ा सा भी सॉल्यूट इसके अंदर डाल दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को बना के देख सकते हैं, वाटर में बना के देख सकते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करें वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में जो रिलेशन है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक ग्राफ से डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ दिखा रहा है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन है वो इवेपोरेट हो रहा है तो कब कहलाएगा कि वो बॉइल होना लगा। तो देखिए राउल्ट कहता है कोई भी लिक्विड है, अब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। देखिए टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी उस तरफ बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम आएगा कि वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। ये देखिए लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया और उसका वेपर प्रेशर बढ़ता चला गया। तो वो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर वेपर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यानी द पॉइंट एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर बिकम्स इक्वल, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन बॉइल होता तो कब बॉइल होता, कंप्लीट वेपर में कन्वर्जन नहीं, वेपर में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया। आपने किसी भी कंटेनर में वाटर को बॉइल करने के लिए चढ़ाया और वाटर बॉइल होना स्टार्ट हो गया, तो वाटर का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर जब बढ़ते बढ़ते वेपर के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन बॉइल होना शुरू हो गया और वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसी लिक्विड में, जो प्योर लिक्विड था, इसमें आपने सॉल्यूट डाल दिया, तो जब सॉल्यूट डाल दिया तो अब देखिए ये कंडीशन आ जाएगी। ये कंडीशन क्या दिखा रही है, लिक्विड का वेपर प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन वो पॉइंट जिस पर वेपर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल था वो पॉइंट यहां पे आगे बढ़ चुका है, इट इज नोन एज T2। अगर इसको हम T1 बोलेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, T2। दिस इज द अनदर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो गया और इससे पहले वाला क्या था, प्योर सॉल्वेंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वेपर
बिकम्स एलिवेटेड, और यही T2 जो है ग्रोथ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। सो अभी हम इसको कैसे दिखाएंगे, हम कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है तो एलिवेशन क्या होगा, T2 में से T1 माइनस कर दीजिए, इतना ही एलिवेट हुआ है, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये है एलिवेशन। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा T से दिखाते हैं, एंड डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग बात करने जा रहे हैं डेल्टा T। अब राहुल क्या कहते हैं, राहुल कहते हैं डेल्टा T यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। m क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए मोलैलिटी नहीं बोल रहे हैं, मोलैलिटी बोल रहे हैं। सो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ये वेट ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है, केजीज में होता है, ये भी ध्यान देना। सो एम इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो राहुल क्या कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसी को सॉल्व कर दिया उन्होंने, उन्होंने कहा डेल्टा टी इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट इसके अंदर डालना पड़ेगा, हम एक कॉन्स्टेंट डाल रहे हैं के बी, कॉन्स्टेंट का नाम भी के है लेकिन इसके बी लगा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्स्टेंट है ये के बी मल्टीप्लाइड बाय एम, दिस इज नोन एज रॉल्स। यहाँ पे के बी क्या बोल रहे हैं, के बी का भी नाम दे दिया उन्होंने मोलल, देखिए मोलालिटी से आ गया मोलल, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, क्या हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है ना, तो उसी पे उन्होंने नाम बना दिया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाय एम, एम इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को डाल देंगे तो डेरिवेशन हो जाएगा, इसी का डेरिवेशन देखते हैं हम लोग कैसा है, रहा है डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाय एम। अब एम को सॉल्व करेंगे, अगर डब्ल्यू वन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट और डब्ल्यू टू माने वेट ऑफ सॉल्यूट, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाय एन अपॉन डब्ल्यू वन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखें इन केजीज, ये मल्टीप्लाई का मार्क है इन केजीज, केजीज में चल रहा। अब ये एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पे N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और यहां N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हम यहां पे N2 कर दिया कोई दिक्कत, तो N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो अभी लॉ क्या बन गया, डेल्टा T is equals to kb multiplied by n2 upon w1। अब n2 is number of moles of solute, ये भी w by m के बराबर होता है, weight upon molecular weight, number of moles is equal to weight upon molecular weight, तो यहाँ पे उसी को डाल दे, तो हम कहेंगे delta t is equals to kb multiplied by weight of solute upon molecular mass of solute, तो weight of solute w2 upon molecular mass of solute m2 upon w1। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू टू अपॉन एम टू मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन डब्ल्यू। अब देखिए ये तो केजीज में चल रहा है, अगर इसी डब्ल्यू वन को हम लोग ग्राम्स में लेने लगेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू टू अपॉन एम टू
इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू। बेसिकली ये फॉर्मूला हम लोग एम टू यानी मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए यूज करते हैं। डेल्टा टी जनरली दिया रहता है, तो एम टू को हमें डिफाइन करना पड़ता है और इसी को आप यूज कर लेंगे न्यूमेरिकल में। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, डब्ल्यू टू वेट ऑफ सॉल्यूट, एम टू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 अपॉन डब्ल्यू वन दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी इबुलोस्कोपी। तो हमने केबी का डिफाइन किया है यहाँ पे मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट। टेक्निकल टर्म में इसको इबुलोस्कोपी बोलते हैं। तो इस मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट को शॉर्ट में हम लोग इबुलोस्कोपी कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में इसको इबुलोस्कोपी कॉन्स्टेंट टर्म दे दिया गया तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो दैट वॉज द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो हम लोग उसका भी डिस्कस कर लें, इसको रब कर देते हैं। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप जनरली देखते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये जनरल फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन अगर उसी में हम लोग कोई क्रीम मिला दें, कोई ऐसी चीज मिला दें जो नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तब क्या होगा? तब क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होगी? नहीं, वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे फ्रीज होगी, हो सकता है -5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो। इसीलिए जनरली जो होम रेफ्रिजरेटर होता है उनका जो फ्रीज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता, जबकि वो -5 डिग्री सेल्सियस से -14 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को अटेन कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीज होते हैं। तो जो फ्रीजर में हमारा वाटर आइस में कन्वर्ट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, वो -5 तक जाता है टेम्परेचर, क्योंकि हमारा वाटर कैसा है उसके अंदर नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी होती है, एसिडिक होता है वाटर हमारा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कम हो जाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, ये चीज़ क्लियर है। अभी फ्रीजिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर के फॉर्म में हम ले लें तो रॉल्स रॉल लगा देंगे। तो हम एक ग्राफ लेते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में और देखते हैं कि कैसे कोई लिक्विड फ्रीज हो रहा है। तो नेचुरल है लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो हाई है। ये हमने लिक्विड का वेपर प्रेशर लिया है, इसका वेपर प्रेशर देख लीजिए, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर भी उसका कैसा है, ज्यादा। लेकिन एक टाइम आता है कि वो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। ये आ गया सॉलिड, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो उसका वेपर प्रेशर देखिए कम हो गया। तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इसको हम लोग TF या T1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। अभी देखिए इसी प्योर लिक्विड जो है जो ये सॉल्वेंट था जैसे कि वाटर, इसी की जगह आपने सॉल्यूशन यूज कर लिया तो कुछ ये कंडीशन बन जाएगी। ये यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर का जो मीटिंग पॉइंट होगा, सेम पॉइंट होगा, उसका टेम्परेचर कुछ और कम चाहिए तो दैट इज नोन एज T2। अगर हम उसको T1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा T2, टेम्परेचर इस तरीके से रिड्यूस कर रहा है। तो देखिए कितना टेम्परेचर कम हो गया, जितना मैंने डार्क कर दिया इतना ही टेम्परेचर कम हो गया, यानी
फ्रीजिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन केस में, सॉल्यूशन के केस में फ्रीजिंग पॉइंट देखिए कम हो गया. फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड. तो वेपर प्रेशर कम हो गया, ये चीज क्लियर है. अभी राहुल बता रहे हैं कितना वेपर प्रेशर कम हो गया. तो अभी हमने इवोलोस्कोपी पढ़ी थी, उसमें हमने जो टर्म यूज किया था उसी को यूज करेंगे. जनरली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग एक और टर्म दे देते हैं, वो टर्म मैं आपको बता देता हूँ. इसको बोल देते हैं हम लोग क्रायोस्कोपी. क्रायोस्कोपी इज द टेक्निकल टर्म फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो अब इस पर राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहे हैं, वही सेम, बिल्कुल सेम जैसे कि राउल्ट्स लॉ ने इवोलोस्कोपी बोला था वही क्रायोस्कोपी बोलेंगे. वो कहते थे डेल्टा टीबी टर्म दिया था ना उन्होंने, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी मल्टीप्लाइड बाय एम, जहां पे एम क्या है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलालिटी. तो अब यहां पे चूंकि फ्रीजिंग हो रहा है इसलिए हमने डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीएफ कर दिया और केबी की जगह क्या कर दिया, केएफ. डेल्टा टीएफ क्या हो गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. केएफ क्या हो गया, केएफ का टेक्निकल टर्म मोलल, वहां पे था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, यहां पे मोलल डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर इसको क्रायोस्कोपी कांस्टेंट बोल दिया. वहां पे इवोलोस्कोपी कांस्टेंट बोले थे, यहां पे क्रायोस्कोपी कांस्टेंट बोल दिया. तो यही है राउल्ट्स लॉ, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ मल्टीप्लाइड बाय एम. अब इसी को डिराइव कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही, तो फॉर्मूला भी बिल्कुल वही निकल के आएगा. वहां पे जो फॉर्मूला था बिल्कुल सेम फॉर्मूला निकल के आएगा. वो फॉर्मूला होगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ मल्टीप्लाइड बाय एम की जगह हम लोग कर देंगे एम इज द मोलालिटी एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट. तो एम टू अपॉन डब्ल्यू वन, जहां पर एम वन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और एम टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्या है, डब्ल्यू वन वेट ऑफ सॉल्वेंट और डब्ल्यू टू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट. तो एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अब इसी को डिस्क्राइब कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो इसी की जगह हम कर देंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू टू अपॉन एम टू अपॉन डब्ल्यू वन. अभी ये केजी में चल रहा है ना, मोलालिटी हमेशा केजी में मेजर होती है, तो इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे. तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इन टू वन अपॉन डब्ल्यू वन. और ग्राम में कन्वर्ट करना है तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये ग्राम में मेजरमेंट आ गया. तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के एफ डब्ल्यू टू अपॉन एम टू मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू वन. जनरली इसमें भी हम लोग को एम टू डिफाइन करने के लिए आता है, एम टू इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसी को निकालने के लिए जो न्यूमेरिकल आते हैं. तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को पुट अप कर दीजिए और न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे. तो ये लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट.